I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हे गाइज, कैसे हो? आई होप सो गाइज आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसे आपने स्टार्टिंग वीडियो को देखा, इस तरह का वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर इस तरह का वीडियो मेरे से क्रिएट करवाना चाहते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आकर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे काइन मास्टर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाना होगा और जो बीच वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। अब गाइज, आपको यहाँ पे सिंपल मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा। जो भी आप अपने यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करना चाहते हो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं एक फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। गाइज, इसका ड्यूरेशन आपको 20 सेकंड तक बड़ा कर देना होगा। फिर से आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा और आपको इस फोटो को एडजस्ट करना होगा। देखो यहाँ पे आपकी फोटो हिल रही है, तो आपको यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको बराबर पे क्लिक कर देना होगा और स्क्रीन पे आपको दो बार टैप करना होगा, तो आपकी फोटो यहाँ पे फुल साइज में हो जाएगी। तो गाइज, इतना काम करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस फोटो पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना होगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ कैप्चर एंड सेव, तो गाइज इस पे क्लिक करते हैं आपकी एक फोटो यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगी, उसका हम आगे यूज करने वाले। अब गाइज, आपको करना क्या होगा, इस फोटो पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे ब्लैक कलर आपको इसको सेलेक्ट कर देना होगा, तो यहाँ पे आपकी फोटो ब्लैक हो जाएगी। तो गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी ग्रीन स्क्रीन वीडियो की, उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कैसे करना होता है, लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा। मीडिया पे जाने के बाद वो डाउनलोड फोल्डर में आपको मिल जाएगी, तो उसको आप यहाँ पे सिंपल तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। आपको करना क्या होगा, इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लीजिए और आपको यहाँ पे जितना वीडियो आपका आ रहा है उतना इसको रखना होगा एंड से। आपकी फोटो को यहाँ पे सीजर पे जाने के बाद आपको ट्रिम टू राइट अपलोड कर देना होगा। अब गाइज, यहाँ पे देख पा रहे हो आपको जो भी ग्रीन स्क्रीन मिल रहा है, इसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था इसको क्रिएट करने में। तो गाइज, एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब गाइज, यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी जैसे यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन खत्म हो रही है, यहाँ पे बादशाह नाम आपका यहाँ पे पूरा खत्म हो रहा है और आप यहाँ पे दूसरी ग्रीन आपकी आ रही है, तो आपको यहाँ पे इसको कट कर लेना होगा। तो इस पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे सीजर पे जाने के बाद आपको स्प्लिट अपलेट कर देना होगा। आपको यहाँ थर्ड ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपकी दोनों लेयर अलग अलग हो जाएगी, जैसे स्क्रीन पे देख पा रही हो ये वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला अलग हो चुका है। तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट पे क्लिक करना होगा, आपको यहाँ पे क्रोमकी के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको इनेबल कर देना होगा। और यहाँ पे की कलर में आपको ग्रीन कलर होना चाहिए, क्योंकि हम जिस कलर को हाइड करना चाहते वो यहाँ पे कलर सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर आपका यहाँ पे फोटो आ चुकी है। और गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट वाली लेयर पे आपको क्लिक करना होगा और इसमें क्या करना होगा, आपको फिर से यहाँ पे क्रोमोकी के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इसको भी इनेबल कर देना होगा। पर यहाँ पे आपको ग्रीन कलर को हाइड नहीं करना होगा, आपको करना क्या होगा, इसमें की कलर में जाने के बाद इसका जो बैकग्राउंड वाला कलर है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे कलर हट चुका है, यहाँ पे 50% से आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाई कर सकते हो, बस आपको इतना काम कर देना होगा। तो यहाँ पे आपकी वीडियो इतना अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। और गाइज, इसी लेयर में आपको यहाँ पे साउंड भी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे आपको वीडियो को पे प्ले करके दिखा था, आपको जहाँ जहाँ बीट आ रही है उस जगह पे आपकी फोटो को आपको यहाँ पे कट कर लेना होगा। तो गाइज, आपके यहाँ पे जैसे यहाँ पे बीट आ रही है तो उस जगह पे आपको इसको कर लेना होगा, फोटो को यहाँ से कट कर लेना होगा। तो आपको फोटो पे क्लिक करना होगा और आपको सिंपल सीजर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको स्प्लिट अपलोड कर देना होगा। तो आपकी फोटो में यहाँ पे बीच में कट लग जाएगा, यहाँ पे आपकी फोटो अलग अलग हो जाएगी। तो आपको जैसे यहाँ पे बीच वाला यहाँ पे ट्रांजिशन का ऑप्शन आता है, आपको करना क्या होगा, अपना डेटा ऑन कर लेना होगा और आपको नीचे की तरफ यहाँ पे गेट मोर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ट्रांजिशन को डाउनलोड करना होगा। तो उस ट्रांजिशन का मैं आपको नाम बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको सेकेंड के नाम से मिलेगा और आप यहाँ पे इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और कोई सा भी यहाँ पे चार ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे इसकी स्पीड देख रहे हो आप, यहाँ पे इसको 0.5 पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा चला कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे इसमें आपको इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे ट्रांजिशन आपको यहाँ पे नजर आएगा। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो को मैं प्ले थोड़ा सा कर देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कॉपीराइट आ सकता है। जहाँ जहाँ बीट आ रही है उस जगह पे आपको यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेना होगा। तो गाइज, मेरे को पता चल गया कि कौन सी जगह पे बीट आ रही है, उस जगह पे मैं इसको कट कर लेता हूँ। आपको फिर से इस फोटो पे क्लिक करना होगा, सीजर पे जाने के बाद आपको इस प्लेट अपलेट कर देना होगा, फिर से आपको इसमें ट्रांजिशन आपको दे देना होगा। तो गाइज, आपको यहाँ पे सभी में इस तरीके से सेकंड वाले ट्रांजिशन को मैं इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ।
इसमें कोई भी स्पीड आपको कम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब आपको फिर से इस जगह पे बीट आ रही है तो आपको फिर से इसको कट कर लेना होगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको इसको यहाँ पे सभी में कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बता सकता आगे क्योंकि हमारा वीडियो पे ज़्यादा लंबा हो जाए। तो गाइस इस तरीके से आपको कट करने वाला आपको वीडियो पे परफेक्टली बन जाएगा इतना तो। और आपको यहाँ पे सिंपल करना क्या होगा, शेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका जैसे ही वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा एक्सपोर्ट होके, तो आपको यहाँ पे सिंपल दो बार बैक आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे इस जगह पे आ जाना होगा। और आपको प्लस आइकन पे जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे 9816 को सिलेक्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पे नया एड्रेस मिल जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पे मीडिया के उसमें जाना होगा और जिस आपने फोटो को कैप्चर किया था उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो आपने स्टार्टिंग में कैप्चर किया था इस फोटो को आपको ले लेना होगा, तो आपको यहाँ पे इसको भी बड़ा कर देना होगा। फिर से आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे बराबर पे क्लिक कर देना होगा, आपकी फोटो एक जगह पे स्थिर हो जाएगी। अब आपने जिस वीडियो का भी एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पे इसमें सेलेक्ट कर लेना होगा। तो लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा और आपको एक्सपोर्ट फोल्डर में वीडियो मिल जाएगा। तो सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, आपको फिर से इसी जगह पे जाने के बाद आपको फुल स्क्रीन में कर देना होगा। अब गाइस इसमें कुछ भी आपको हाइड करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको ओनली पोर यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन मिलेगी। तो आपको इस पर फिर से क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको क्रोमा की ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपल आपको इनेबल कर देना होगा। यहाँ पे आपका ग्रीन कलर हाइड ना हो तो यहाँ पे की कलर में जाने के बाद ग्रीन कलर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 50% से थोड़ा सा आपको ज़्यादा कर देना होगा, तो बस आपको इतना ही करना होगा और आपका वीडियो पे इतना तो बन जाएगा। अब आपको जैसे इसमें इफेक्ट लगाओगे आपका वीडियो पे काफ़ी अच्छी तरीके से एडिट हो जाएगा। तो गाइज आपको वीडियो इतना कंप्लीट बन चुका है। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर के बाद में आपको कुछ इस तरीके से आपको मिले आगे वीडियो, तो आपको इसमें इफेक्ट लगाना होगा। मतलब इसमें कोई भी टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सभी को डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पे आपको टेम्पलेट को इसमें कैसे ऐड करना होगा, लेयर के उसमें पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा और मैं उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो सबसे डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, आपको फुल स्क्रीन में इसको कर लेना होगा। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, नीचे की तरफ आपको स्लाइड करना होगा और ब्लेंडिंग के उसमें पे जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। उसके बाद में आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना होगा, थ्री डॉट पर जाना होगा और आपको डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना होगा, तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक लेयर को आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा उठाकर आगे की तरफ रख देना होगा, बस आपको इतना इसमें गैप दे देना होगा। और आपको अब लास्ट काम आपका बचेगा यहाँ पे टेम्पलेट भी आपको क्लिक करना होगा, जो ग्रीन कलर वाला टेम्पलेट आपका वीडियो आएगा मेन उस पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर जाने के बाद इसको फ्रंट में जरूर कर लेना, आपके टेम्पलेट सभी पीछे चले जाएंगे। अब मैं आपको वीडियो को चलाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि वीडियो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से एडिट हो चुका है, आपको करना क्या होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो को अच्छी तरीके से एडिट कर लेना होगा। यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मिल जाएगी, न्यू अपडेट मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।